हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्ण सिंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम समर्स के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं। ये ड्रेस हम 9, 10 और 11 नंबर गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। तीनों के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसलिए तीनों के लिए हम एक ही ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस आप 9 नंबर गोपाल जी को भी पहना सकते हैं, 10 को भी पहना सकते हैं और 11 को भी। तीनों का जो ड्रेस है ये आराम से उनको आ जाएगा, ना ही ये लूज रहेगा और ना ही ये टाइट रहेगा, ना बड़ा रहेगा ना छोटा रहेगा। तो ड्रेस बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक लाइट बेबी पिंक कलर का फैब्रिक लिया है। इसमें गोल्डन वायर से थोड़ा वर्क दिया गया है, ये भी सेल्फ वर्क में है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह का एक फैब्रिक लिया है और इसमें लगाने के लिए नीचे मैंने ये एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है। लाइनिंग का कपड़ा डालने से ड्रेस काफ़ी मजबूत बन जाती है, जो लंबे समय तक चलती है और जल्दी से ख़राब नहीं होती है। अगर हम चाहें तो हम सिंपल का भी बना सकते हैं, सिंपल ये नॉर्मल कपड़े से, इसमें लाइनिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर लाइनिंग डालेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक अच्छे से चलेगी और सुंदर ऐसे ही बनी रहेगी। तो चलिए, मैंने इसका ड्रेस का मेज़रमेंट जो लिया है, 8 इंच मैंने इस कपड़े की चौड़ाई रखी है और इसकी लंबाई मैंने 70 इंच रखी है, मतलब 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 70 इंच इसकी कपड़े की मैंने लंबाई रखी है। और सेम मेज़रमेंट मैंने लाइनिंग का कट कर लिया है। अब हमें इसमें सबसे पहले ये हमें सीधी साइड से रखना है और लाइनिंग का भी हमें सीधी साइड से रखना है और हमें इसमें 3 साइड से सिलाई लगा लेनी है। दोनों जो कॉर्नर का एरिया है, इधर वाला भी और उधर वाला भी, दोनों इधर की साइड और एक यहाँ पर लंबी। तो चलिए, हम पहले 3 साइड की सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें यहाँ पर ये तीनों साइड सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लिया है। थोड़ा आयरन मैंने इसके ऊपर लगा लिया है ताकि ये बिल्कुल यहाँ से अच्छे से इसकी बिल्कुल फिनिशिंग आ सके। अब हमने जब यहाँ पर ये तीनों साइड सिलाई लगा ली है, मैं यहाँ पर नीचे की साइड इसमें लेस ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें लेस लगा सकते हैं और अगर नहीं मन है तो मत लगाइए। आप अगर सिंपल भी बनाएंगे तो भी अच्छी लगेगी। तो मैंने एक ये गोल्डन लेस लिया है क्योंकि इसमें गोल्डन वायर से वर्क दिया गया है। तो मैं यहाँ पर लेस थोड़ा सा इधर की साइड नीचे हल्का सा छोड़ते हुए इस तरीके से लगाऊंगी ताकि नीचे ये थोड़ा पाइपिंग का काम करे और इसमें यहाँ पर मैं इसके ऊपर इस तरीके से लेस लगा दूंगी। तो चलिए, मैं यहाँ पर ये लेस लगा लेती हूँ और जो ऊपर की साइड यहाँ पर ये ओपन हो गया है क्योंकि हमने इसको सीधा किया है, उल्टा हमने पहले उल्टे में सिलाई लगाई थी फिर हमने सीधा किया, तो अब मैं यहाँ पर भी एक बार इसमें सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो चलिए, मैं लेस और सिलाई दोनों लगा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये थोड़ा छोड़ते हुए इसमें ये लेस लगा दिया है और ऊपर की साइड भी हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पर साइड में जो ये हमारा साइड वाला पोर्शन है, इसमें हम ये टिश्यू रिबन यूज़ करेंगे। इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से किनारी को दबाते हुए लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से ये हम दोनों साइड लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए, हमने ये दोनों साइड इस तरीके से लगा लिया है। ये देखिए, अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स को हम इस तरीके से डालेंगे, यहाँ पर हमें प्लेट्स को बहुत पास पास डालना है। प्लेट्स हमें एकदम बड़ी बड़ी नहीं लेना है, जैसे ये है इस तरीके से, ऐसे बड़ा बड़ा प्लेट्स हमें नहीं लेना है, हमें छोटा छोटा प्लेट्स लेना है। ये देखिए, इस तरीके से, लेकिन प्लेट्स हमें छोटा छोटा लेना है और यहाँ पर एक दूसरे के बिल्कुल एकदम पास पास डालना है। ये देखिए, इतना गैप, मतलब अगर हम इसको मशीन से सिलाई लगाएंगे तो इसमें सिर्फ एक टांके का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना है, नहीं तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए, इतना पास पास हमें यहाँ पर ये प्लेट्स डालना है, शायद आपको थोड़ा सही से दिख रहा होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से, आई होप कि ज़्यादा ब्लर ना हो, अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा हो। तो हम इस तरीके से पास पास यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे और इन प्लेट्स को डालते हुए हमें यहाँ पर जो कमर का नाप रखना है वो 8.5 इंच रखना है। तो चलिए, हम इस तरीके से पास पास रख के प्लेट्स डाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये प्लेट्स इस तरीके से डाल ली हैं और प्लेट्स डालने के बाद देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी हमने इसमें आयरन नहीं किया है और ये देखिए, इसका घेर एकदम बिल्कुल कंप्लीट है और जब हम इसमें आयरन कर लेंगे तो इसका लुक और भी अच्छा आएगा। बट पहले हम इसका ब्लाउज बना लेते हैं, आयरन हम सबसे लास्ट में करेंगे इसमें। तो ये देखिए, ब्लाउज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है, ये देखिए, जो हम इसकी ब्लाउज बनाएंगे, और 17 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। ये देखिए,
तो और सेम मैंने कपड़ा यहाँ पर लाइनिंग का ले लिया है। तो चलिए अब हम इसमें यहाँ पर पहले दोनों साइड जो हमने टिशू रिबन ड्रेस के साइड में लगाया था वही टिशू रिबन हम यहाँ पर ये दोनों साइड इस तरीके से रखकर, ये देखिए इस तरीके से रखते हुए दोनों साइड हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, इधर की साइड भी और इधर की साइड। ये देखिए हमने इसमें ब्लाउज के दो कपड़े में दोनों साइड यहाँ पर एक टिशू रिबन लगा लिया है। और टिशू रिबन लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल हाफ से हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। ये देखिए इसको हाफ से यहाँ पे कट करने के बाद अब हम यहाँ पर पहले इसको इस तरीके से सीधा रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पर लगभग 2 इंच की लंबाई के अकॉर्डिंग इसमें सीधी सिलाई लगा लेंगे, पर हमें 2 इंच से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो पहले सेंटर में हम 2 इंच जितनी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर ये बीच में सिलाई लगा ली है और अब हमें इसको जो हमारा ये सीधा पोर्शन है सीधी साइड का इसको हम अंदर की साइड रखते हुए इस तरीके से यहाँ पर इसको इस ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 इंच के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। 2 इंच चाहे आप तो इंच चाहे तो आप अपने अंदाजे 2 इंच लगभग लगा सकते हैं या आप इंची टेप से मार्क करके भी लगा सकते हैं। तो 2 इंच लगभग हमें, और यहाँ पर हमें किनारी पे सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ पर जो हमने ये इस टिशू रिबन के ऊपर सिलाई लगाई हुई है इसके ऊपर लगाना है, नहीं तो ये छूट जाएगा। और इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पर रखेंगे और इसमें भी हम यहाँ पर दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। और ये जो ऊपर 2 इंच के ऊपर जो ये बचेगा ये हमारा बाजू के लिए बचेगा, इसको हमें आर्म होल ऐसे ही छोड़ना है। ये देखिए हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है और ये देखिए सिलाई मैंने बिल्कुल एकदम यहाँ पर ये बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं लगाई है, अंदर की साइड सिलाई लगाई है। अगर आप यहाँ पर कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे एक तो ये छूट जाएगा क्योंकि टिशू रिबन रहता है बहुत जल्दी खींच जाता है, और दूसरा चीज़ आपका ये रहेगा कि ब्लाउज भी फिर आपकी ड्रेस से बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये रिबन इधर की साइड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने अंदर की साइड यहाँ पर सिलाई लगाई है कपड़े के ऊपर, अब ये छूटेगा नहीं। और दूसरा अब हम इसको यहाँ पर ये देखिए सीधा कर लेंगे, ये देखिए, और हम यहाँ पर ड्रेस रखेंगे इस तरीके से और ये भी हमने सीधा कर लिया है। तो अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रख के पहले नाप लेंगे कि ये पूरा है या नहीं है। ये देखिए और ये देखिए ये लगभग पूरा है, थोड़ा हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, लगभग 1 mm जितना। तो ये देखिए ये तो सिलाई लगाते वक्त भी हो जाएगा इतना। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये मशीन रख के सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए ये कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आया, क्योंकि कई बार रहता है ना हाथ से पकड़ने पर उतना अच्छे से नहीं होता है। तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट आ गया है। अब हम इसमें यहाँ पर सबसे पहले आयरन कर लेंगे, आयरन हम उल्टी साइड करेंगे क्योंकि ये इसमें जो गोल्डन वायर दिया गया है ताकि ये जले नहीं, और नीचे हमने लाइनिंग का कपड़ा यूज़ किया है तो हम इसमें आयरन उल्टी साइड से करेंगे और हम इस तरीके से प्लेट्स को इस तरीके से बैठा बैठा कर तब इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं आयरन कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ड्रेस को आयरन कर लिया है और ये देखिए ड्रेस का लुक एकदम बिल्कुल जैसे रेडीमेड ड्रेस रहता है बिल्कुल वैसा है। तो देखिए अगर आपके पास 9, 10, और 11 नंबर के गोपाल जी हैं तो आप भी अपने गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएं। देखिए बहुत प्यारा इसका लुक आया है, ये मैंने एक बिल्कुल सिंपल तरीके की ड्रेस बना के डाली है जिस तरह का रेडीमेड ड्रेसेस का लुक आता है, तो आप भी अपने गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।